पवार दुनिया की नाटक तो कर रहा है, लेकिन शरद पवार ने मनीष जी वो सुरक्षा वापस नहीं की है, उसमें शरद पवार को निपटा देने की पूरी तैयारी कर चुका है। शरद पवार को जेट प्लस सुरक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं था। महाराष्ट्र में भी एक बड़ा खेला चल रहा है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने उस दिन कहा कि देखिए जानबूझ करके वहां पर एक बदलापुर कांड किया गया। अब बदलापुर के दोषियों को जो सख्ती हुई, तो कमाल की बात है उद्धव ठाकरे मैदान में आ गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही। इसका मतलब है कि वो गुंडे जो हैं वो शिवसेना या उद्धव ठाकरे या शरद पवार की तरफ से भेजे गए थे। जिन लोगों ने रेलवे की संपत्ति जलाई, जिन लोगों ने उत्पात किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ये बौखला गए। ये बौखलाहट तो ठीक उसी ढंग से हो रही कि मैंने अभी देख रहा था, कल हम लोगों ने उस पर विश्लेषण किया। मध्य प्रदेश में असल जो यादव जी ने जो किया है उससे तिलमिलाई कांग्रेस कुछ बोल ही नहीं पा रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरा जिहादी उन्मादी कह रहे कि कांग्रेस ने चुप्पी लगा ली। जिसका घर तोड़ा गया वो दोनों भाई गायब है, वो दोनों गायब है। उसके मतलब माना जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ की उसकी जो महंगी महंगी करोड़ करोड़ रुपए की जो गाड़ियां हैं उसे ऊपर फुटबॉल की तरह उछाला गया, तोड़ा गया, कुचल दिया गया। कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल पा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए उद्धव ठाकरे कह रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ हम बंद बुलाएंगे। देश भर में बंद की आह्वान किया था, वैसे शरद पवार ने इसे वापस ले लिया हाईकोर्ट के ऑर्डर के पास। आपको क्या लगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी तबाही लाने की एक बड़ी साजिश तो नहीं है? एक और हिस्सा इसमें है कि शरद पवार को जेड प्लस की सुरक्षा दे दी गई है और शरद पवार बौखला गया, कह रहा है कि नहीं सरकार हमारे हमारा सच जानने के लिए पुलिस लगी। तो शरद पवार को ये डर क्यों लगा? शुरुआत इससे जरूर होनी चाहिए। शरद पवार क्यों डर रहा? जेड प्लस सुरक्षा मिल गई उसे तो नहीं। मनीष जी, राजनीति में मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो होता है वो दिखता नहीं, जो नहीं होता वो दिखता है। तो शरद पवार जो कह रहा है इस पर कतई मत जाइए आप। शरद पवार बिल्कुल ठीक कर रहा है और शरद पवार को बड़ी जब केंद्र ने निर्णय लिया, क्योंकि तो जरा गौर करिए, शरद पवार ने कोई आवेदन नहीं किया था जेट प्लस सुरक्षा के लिए और अचानक ये फैसला आया कि केंद्र ने शरद पवार को जेट प्लस सुरक्षा दे दी है। और किसके किसके साथ? अमित शाह के साथ और संघ प्रमुख के साथ, तीसरा व्यक्ति हाँ, वो है। और नहीं नहीं मनीष जी, एक और इसकी गंभीरता समझिए, बहुत गंभीर सवाल है ये। आपने आज अच्छा हुआ पूछ लिया, मैं सोच रहा था एक दिन करूंगा लेकिन आपने अभी इसका जिक्र कर दिया, बेहतरीन सवाल है ये। और उसके बाद शरद पवार दुनिया की नाटक तो कर रहा है कि वो मैं नहीं चाहता था और मेरी जासूसी करेंगे, लेकिन शरद पवार ने मनीष जी वो सुरक्षा वापस नहीं की है। शरद पवार ने वो सुरक्षा वापस नहीं की है, ना ही वो करेगा। अब जरा दर्शक समझे ये खेल क्या है, और ये खेल बहुत खतरनाक है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उस हिसाब से तो हम लोग को पहले ही डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि मनीष जी ने अचानक कहा तो मुझे ध्यान आ गया कि मनीष जी इसका मतलब कोई बहुत भयंकर खेल एक आकार दे रहा है और उसमें शरद पवार को निपटा देने की पूरी तैयारी कर चुका है। वही खेमा जो शरद पवार की जय जयकार करता है, क्योंकि शरद पवार की उम्र हो गई 82-84 साल की, और इसलिए अन्यथा आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, शरद पवार को जेट प्लस सुरक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं था। तो निश्चित तौर पर पहले बात हुई है कि तुम्हारी जान कोई खतरा है और तुम्हारी नहीं समझ में आ रहा, तो वो शरद पवार को जो पॉलिटिकल नौटंकी करनी चाहिए वो तो शरद पवार ने की, लेकिन वो सुरक्षा वापस नहीं की, अपने पास रख ली है। क्योंकि शरद पवार भी समझ रहा है कि उसके साथ के जो दोनों लोग हैं वो उद्धव ठाकरे तो कुछ तुम समझे कुछ हम समझे वाला है। कांग्रेस का पूरा इतिहास इस बात का रहा है कि कैसे उसने अपने लोगों को निपटाया है। तो ये जैसे ही मनीष जी ने सुना कि शरद पवार को जेट प्लस दी जा रही है, तो और जरा इसको दर्शक अब दूसरे तरीके से भी जोड़ें कि जो महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं की गई है तो वो ऐसे ही नहीं की गई है कि वो बाद में कराए जाएंगे। इसका मतलब महाराष्ट्र को लेकर कोई बहुत बड़ी साजिश आकार ले रही है, और मेरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत जल्दी वो सामने आ जाएगी। क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में पहले ये जो बच्ची वाला बलात्कार वाला मामला आया, उसको 13 तारीख का मामला, उस पर कैसे लोग आ गए, रेलवे लाइन पे आ गए, प्लेटफॉर्म पे आ गए और उन्होंने तहस नहस कर डाला पूरा, एक तरह से जनजीवन पूरे महाराष्ट्र का उन्होंने अस्त व्यस्त करने की कोशिश की। तो ये केवल साधारण मामला नहीं है, और ये झारखंड या कश्मीर की तरह जैसा मामला भी नहीं है, वहां पर बड़ा खेल है कोई, और मेरे ख्याल से अभी उसके पूरे नट बोल्ट अभी कसे नहीं गए हैं और इसीलिए उसको अभी स्थिर रखा है। और खासकर जो शरद पवार की बात हो रही है,
तो निश्चित तौर पे इसीलिए उसको जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। आगे देखिए क्या होता है सर, वहां पर रूल। अपने कुछ व्यूअर हाँ कह रहे थे जो गुजरात के हैं कि गुजरात बॉर्डर का कुछ हिस्सा सील कर दिया गया है, ये जो बंद का हाँ आह्वान था वो पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश को जलाने की साजिश थी, तो इसका मतलब है कि आप इशारा ये कर रहे हैं कि शरद पवार को जो जेड प्लस सुरक्षा दी गई है, शरद पवार ध्यान को अपने ही रखना। लोग निपटाना चाह रहे हैं ताकि कुछ एक ऐसा देश के हो जाए कि मोदी ने मरवा दिया या फिर इस तरह का कुछ एक। हाँ ये है उसका पूरा खेल। और इसीलिए आप गौर करिए कि देखिए शरद पवार ने उसको वापस भी नहीं किया है, और उसके अलावा जो कोर्ट ने कहा कि ये वापस ले लो, तो शरद पवार ने मनीष जी वापस भी ले लिया है। वापस आप ही शरद पवार बंद ने वो बंद का आह्वान वापस भी ले लिया है। तो वो जान रहा है ये राजनीति में कहीं मुझको निपटा देंगे, तो इस वजह से ये खेल हो रहा है। और महाराष्ट्र की स्थिति पहले दिन से बड़ी खराब है, और इसमें मैं जरा एक बार वो याद दिला दूं, वो लोग बड़े खुश होंगे इस महाराष्ट्र की इस स्थिति को देख के, जिनको ये लग रहा था कि मोदी बड़ा अहंकारी हो गया है, और वो मोदी का अहंकार दूर कर रहे थे। 140 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में डालने के अपराधी हैं वो लोग, जिनको जो कह रहे थे कि मोदी बड़ा अहंकारी हो गया है। उनको सबक जरूर सिखाना है, दर्शक कसम खा लें इस बात को, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन को डाल दिया है खतरे में, क्योंकि मोदी बड़ा अहंकारी हो गया है। तो वो घोर जातिवादी, घोर क्षेत्रवादी और घोर एक शहरवादी, वो शहरवादी जो कीड़े हैं, उन्होंने 140 करोड़ लोगों को डाला है हमारे जीवन को किस तरह खतरे में, तो इसका बदला लिया जरूर जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए महाराष्ट्र के मामले को देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है। अब तारतम्य करी बेहतरीन जोड़ पाए आप इसको कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि बंद बुलाते हो और किसी पर यदि प्रेशर हुआ बंद डालने का तो कार्रवाई होगी। पॉलिटिक्स में इस कार्रवाई के कोई धमकी को मानता नहीं है। शरद पवार ने वापस ले लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा ना, हम वापस नहीं ले रहे हैं। अब क्या उखाड़ पाएंगे उद्धव ठाकरे, कल दिख जाएगा। लेकिन इसका जेड प्लस सुरक्षा से बहुत गहरा नाता दिखाई दे रहा है। और टाइमिंग देखिए जेड प्लस का, ठीक उसी समय में ये करना, और जेड प्लस सुरक्षा तो मिल किस किस की रही है, अमित शाह के लिए है, संघ प्रमुख के लिए, और उसके साथ शरद पवार के लिए। तो ये आप समझ लीजिए कि और इस समय कोई उसकी जरूरत नहीं थी, ना ही वो कोई मांग कर रहा था। वो आदमी शरद पवार मांग भी नहीं कर रहा था, तो जबरदस्ती क्यों दे देगा केंद्र सरकार। और वो तो कायदे से तो केंद्र सरकार ने वापस ली कई नेताओं से, और उसके बाद अचानक बिना मांगे दी गई है। तो इसका जो कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो सरकार हमसे आपसे बिल्कुल साझा नहीं कर सकती, लेकिन सरकार के पास बड़ी पुख्ता सूचनाएं होती हैं, और समय रहते चेत गए। तो वो शरद पवार को जो जेड प्लस दिया गया है उसके लिए कोसिए मत, वो बहुत बेहतरीन निर्णय है। और आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। और अभी जो तत्कालिक दो तीन घटनाक्रम हुए वो मैंने बताया कि उनसे आप जोड़कर देखिए क्या है उसका मामला। तो ये महाराष्ट्र तो पूरे देश से इस समय अलग हो, एकदम अलग खेल चल रहा है, और वहां पर कुछ बड़ा मनीष जी मेरे ख्याल से या तो सरकार उजागर करेगी या सामने आएगा। मतलब इसका मतलब ये कि एक तरह से शरद पवार को निपटा करके, जिस तरह से 84 में जो कांड, जो जो राजीव गांधी को अपार सीट मिला था, ये देश तो इमोशन से चलता है सर। एक बड़ा ही, क्योंकि इस देश में शरद पवार से सीनियर नेता तो आज के डेट में कोई है नहीं, तो है नहीं। ये पूरा तख्त पलट करने का खेल है कि शरद पवार को यदि निपटा दिया जाए, इसका मतलब भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को कुछ गहरी सूचना है। वरना मोदी सरकार है। शरद पवार के इतना क्यों मरी जाएगी कि भाई इसको जेड प्लस सुरक्षा दे दो। मैंने कोई मतलब, आमतौर पर कोई सरकार मतलब तो ही नहीं सुरक्षा है। वापस ले रही है लोगों से। हाँ, ये कोई मतलब ही नहीं है। ये जानबूझकर मैंने कहा कोई बड़ा थ्रेट आया है शरद पवार के लिए, और मैंने कहा ना मनीष जी उसकी जरा पुष्टि आप दूसरे तरीके से कर लीजिए कि जो कोर्ट ने कहा कि वापस ले लो, तो शरद पवार ने बिना हिला हवाली कहा कि हाँ हम वापस लेते हैं। तो वो अब देखिए राजनीति कर रहा है, तो वो बाहर उसने कह दिया कि मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने वापस नहीं की है अपनी सुरक्षा को, सुरक्षा उसने अपने साथ रख ली है। और एक तरह से कोर्ट में कहना भी माना है कोर्ट का। तो महाराष्ट्र का जो मामला है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है, और अभी देखिए क्या होता है। उस पर कुछ भी अपने मन से कोई गेस वर्क करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना तो मैं गेस वर्क बहुत निश्चित होकर कह सकता हूँ कि वो जो जेड प्लस दिया गया शरद पवार को, वो राजनीतिक फैसला नहीं है, वो देश से संबंधित फैसला है, और वो बहुत संवेदनशील मामला है वो।
बिल्कुल, और इससे कई चूंकि हमारे व्यूअर्स बहुत नाराज हो रहे थे, शरद पवार को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, इस गंभीरता को, इसीलिए हमने इस विषय को उठाया। इस गंभीरता हाँ। को समझिए कि देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है, और ये देश इमोशन से चलता है। मैं बता दूं मनीष, जो जितने हम लोग की बुद्धि है कि वो खेल क्या है कि शरद पवार को रस्ते से हटा दो तो एक तरह से कांग्रेस का जो वहां विकल्प था वो खत्म हो जाएगा, एनसीपी के पास कोई दूसरा होगा नहीं, यही नेता हो जाएगा पागल, और उसके बाद पूरे देश में नरेंद्र मोदी को गाली बकते घूमेंगे कि शरद पवार के साथ ऐसा करवा दिया। ये पूरा प्लान था, लेकिन उस प्लान को जेट प्लस सुरक्षा देकर मोदी ने ध्वस्त कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कोई सपना आया होगा, निश्चित नरेंद्र मोदी के पास कोई अपनी ऐसी सूचना थी कि ये करो नहीं तो तुम महंगा पड़ेगा, तो इसीलिए किया गया है। बेहद गंभीर बात है आपने कही है, मुझे लग रहा है इसके मायने जो है व्यूअर्स समझेंगे कि कितना गंभीर मामला है। और हम लोग जैसे कहते हैं कि देश इमोशन से चलता है, आप विकास लाभ करते रहिए, कुछ भी कर लीजिए, एक्सप्रेस वेज बना लीजिए, आप पूरे देश को कायाकल्प कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये देश इमोशन से चलता है। और 84 से लेकर के आप 1991 भी उदाहरण है कि राजीव गांधी दोबारा से हार रहे थे, लेकिन दक्षिण में जब उनकी मौत हुई तो दक्षिण में कांग्रेस को इतनी सीटें मिल गई कि कांग्रेस ने जोर तोड़ से सरकार बना ली। सही कह रहे हैं। तो शरद पवार को निपटा करके उद्धव ठाकरे और कांग्रेस क्या कुछ, ऐसा कुछ तो प्लानिंग नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से इसका साफ संदेश नजर आ रहा है कि सरकार को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य सरकार के पास हैं, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। बिल्कुल।